कोई बात नहीं, गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है। गुस्से के पीछे कारण सही रखो। जब लगता है कि कुछ मिल नहीं रहा है, जब लगता है कि कुछ खो रहा है, किसी लक्ष्य को चाहा था प्राप्ति नहीं हो रही, तो गुस्सा उठता है। गुस्से की बात छोड़ो, गुस्से के नीचे वो लक्ष्य है, वो इच्छा कामना है जिससे जुड़े हुए हो। लक्ष्य ठीक रखो, जो ऊंचे से ऊंचा चाह सकते हो उसको चाहो, फिर वो न मिले तो गुस्सा आ गया तो कोई बात नहीं। दिक्कत तब है जब छोटी और व्यर्थ चीज चाही और फिर वो चीज भी नहीं मिली तो गुस्सा करा। पहले तो मांगी ही चीज ऐसी जो क्षुद्र है, टुच्ची है, बिल्कुल उसमें अपने आप को निवेशित कर दिया। छोटी ही चीज के साथ एकदम लिपट गए और फिर वो छोटी चीज भी नहीं मिली। पहला तो गुनाह ये किया कि छोटी चीज मांगी, और दूसरी बात ये कि अकर्मण्यता ऐसी, अविवेक ऐसा कि वो जो जरा सी चीज मांगी वो भी नहीं मिली और फिर गुस्सा दिखा रहे हैं, हाथ पांव पटक रहे हैं। ये बड़ा अशोभनीय लगता है। कुछ ऐसा मांगो जो तुम्हें अपने लिए संभव ही ना लगता हो, फिर तुम्हें हार भी मिलेगी अपने प्रयत्न में तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें आश्चर्य होगा गुस्सा उठता क्यों नहीं, या उठता भी है तो इतना क्षीण क्यों है, उठता भी है तो इतना सात्विक क्यों है। एक क्रोध होता है शराबी का, ठेके पर खड़ा है, बोतल नहीं मिल रही, जानता है कि 10 बजे बंद होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, और मुंह से झाग आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है। एक वो क्रोध है और एक क्रोध था कृष्ण का, भीष्म के ऊपर रथ का पहिया उठा के दौड़े थे। क्रोध क्रोध में अंतर होता है। धर्म की रक्षा है तो तुम्हें क्रोध आ गया तो वो क्रोध सात्विक कहलाता है, और नशा नहीं मिल रहा और गुस्सा उबल रहा है तो ये क्रोध बड़ा निकृष्ट है। तो बात क्रोध की नहीं है, बात कामना की है। तुम मांग क्या रहे हो? मैं कह रहा हूं जो ऊंचे से ऊंचा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको मांगो, फिर जो होगा देखा जाएगा। कदम तो हमेशा छोटा ही होता है, बहुत बड़ा भी कदम रखोगे तो वो भी है तो जरा सा ही, पहाड़ थोड़ी लांघ जाओगे एक कदम में। दृष्टि किधर को है, लक्ष्य कौन है, ध्येय क्या है, किसको पाने के लिए बढ़े जाते हो, किसका आसरा है, प्रेम किससे है, दिल में कौन बसा हुआ है। सवाल यह है, कदम तो हमेशा छोटा होगा। इस वक्त तो चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, जो करेंगे वो छोटा होगा। बाहर की तो प्रत्येक गतिविधि छोटी ही होती है, संसार में सब कुछ छोटा है तो संसार में तुम जो कदम लोगे वो भी छोटा सा ही होगा।
प्रश्न ये है कि दिल में कुछ बड़ा है कि नहीं, किसी बड़े की तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं। अब ये बात समझना, संसार में जो कुछ है वो छोटा है और बढ़ना बड़े की ओर है, तो किसी ऐसे की ओर बढ़ना है जो संसार का हिस्सा नहीं, जो पदार्थ नहीं, जो इंद्रियगत नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, जिसे नापा तौला नहीं जा सकता, उसकी ओर जब बढ़ रहे हो तो निशाना तुमने किसी बड़े पे लगाया। और संसार में किसी भी चीज पे तुमने निशाना लगाया तो वो चीज छोटी ही हुई। हाँ, अपेक्षाकृत बड़ी हो सकती है, चट्टान ढेले से बड़ी होती है बस तुलनात्मक रूप से, पर सीमित तो होती ही है ना। और जो कुछ सीमित है उसके साथ कुछ मजा नहीं। अटैचमेंट इज बॉन्डेज, हम हमारी सब सबकी लाइफ में आता है, कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं जो बहुत ही सफरिंग देते हैं, लेकिन जब हम उनके पास पे चले जाते हैं स्टिल वो हमारी मेमोरी में रहते हैं। जब तक सब कुछ सही चल रहा है, हम बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं कुछ, तब तक वो नहीं आते हैं। जहाँ थोड़ा सा दुख आया, जहाँ थोड़ा सा अकेलापन आया, सब वो पीछे खींचे जा जाते हैं। तो हम उस चीज़ को कैसे डील करें, उसकी फॉल्सनेस कैसे देखें, या फिर अगर उसे व्यस्त हो जाओ किसी बहुत बड़ी चीज के साथ, व्यस्त हो जाओ, उसी को मैं कहता हूं अपने आप को सत्य में डुबो दो। छोटी बातों का ख्याल आना अपने आप बंद हो जाएगा, छोटी छोटी बातें फिर स्मृति में कूदेंगी फादेंगी नहीं। बड़ा सा हाथी कोई घुसा है इस कमरे में, हम सब छोटे छोटे लोग अपने आप बाहर हो जाएंगे। जीवन में कोई हाथी घुसेड़ लो, सारे ये जो छोटे मोटे उपद्रव हैं अपने आप भाग जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तुम गए चिकित्सक के पास, सरदर्द हो रहा है, उसने जांच की, बोला मुझे तो लग रहा है आपकी आंख में ट्यूमर है, सरदर्द कहाँ गया? तो तुम बहुत बड़ी वाली परेशानी मोल ले लो, परमात्मा सबसे बड़ी परेशानी है, मिलता ही नहीं। तो तुम उतनी बड़ी परेशानी उठा लो, उतनी बड़ी चुनौती, फिर छोटी मोटी चुनौतियां सब अकारथ लगेंगी, अप्रासंगिक हो जाएंगी। और जिसके पास कुछ बड़ा नहीं होता उसको छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ी लगने लगती हैं। एसी 26 पे क्यों चल रहा है, 22 पर क्यों नहीं, इस बात पे ही 2 घंटे संग्राम हो सकता है, देखा है लोगों को। किसी भी बात पर हो सकता है, क्योंकि कुछ बड़ा नहीं है ना, तो छोटी छोटी बातों पर ही। अब जब तुम टीवी को लेकर लड़ रहे हो, उसी समय घर पे आग लग जाए तो टीवी बिल्कुल भूल जाएगा, क्योंकि कुछ बड़ा हो गया। तुम उसके साथ हो लो जो आग से भी, अग्नि से भी बहुत बड़ा है, जो अग्नि के भी प्राणों का अधिष्ठाता है। फिर कुछ नहीं डराएगा।